जी अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ आना होगा और कोई बहाना शाना नहीं चलेगा। जी जी गंगा, अरे सारा इंतजाम जो है ना जल्दी से हो जाना चाहिए और सारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट। अरे एक तुम मिठाई के डब्बे कहाँ लेके जाते? अरे भाई वहां रख रहे हैं रसोई में, चलो मैं चलता हूँ। रावा चल शुरू करें, चलो चलो। रुकिए मामा जी, ये रसम मेरे बिना कैसे हो सकती है? मैंने तो सुना था कि लड़कियां शादी के बाद पराई होती हैं और आप लोगों ने तो मुझे शादी के पहले ही पराया कर दिया। मैं तो ऊपर तैयार होने के लिए बैठी थी और आप लोगों ने यहाँ पे चूड़े की रस्म भी शुरू कर दी। तेरी शादी डिम्पी से 2 घंटे पहले है ना, बस इसीलिए तुझे नहीं बुलाया, फिर तुझे तैयार होने का समय भी तो नहीं मिलेगा। और बेटा वैसे भी हमारे यहाँ चूड़े की रस्म कहाँ होती है? हाँ माँ, हम लोगों में चूड़े की रस्म नहीं होती है, लेकिन इस घर में जो कुछ भी होता है वो सबके लिए होता है, चाहे वो रस्म हो या फिर जश्न हो। मैं अपना मेकअप टाइम तो कम कर सकती हूँ, लेकिन मेरी डिम्पी दी की शादी की कोई रस्म मिस नहीं कर सकती। मेघा, मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है। किनी? तेरे लिए हम दोनों की तरफ से। क्या है? खोल के देख। ये चूड़ा हम दोनों की तरफ से तेरे लिए। हमारे घर में जो होता है वो सबके लिए होता है, सो वो चाहे जश्न हो या रसम। मेरी चूड़े की रसम हो सकती है तो तेरी क्यों नहीं? कैसे लगा? सो ब्यूटीफुल दी। आजा, वो तेरा भी मामा हूँ, तुझे भी बना दूंगा, बैठ। आजा 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 आजा, वही खोलो जी। अरे दक्ष, वो केटरर्स के नंबर देना, दोबारा चेक करना। जी भैया। Why the hell is he not answering my phone? इसकी इतनी हिम्मत? How dare he? How dare he? आज से तुम दोनों की नई जिंदगी शुरू हो रही है, चलो पहले उठ के भगवान जी का आशीर्वाद लो। हाँ। चल। तुम लोगों ने इसे बुझने से बचा लिया, वरना आज बहुत बड़ा अपशकुन हो जाता। अरे माँ, आप टेंशन ना लो, हमारे होते हुए आज के दिन इस घर में कुछ अपशकुन नहीं होगा। क्योंकि नहीं? बिल्कुल, आज जो बुरी नजर लगाएगा वो हमसे बच नहीं पाएगा।
भैया ये क्या चल रहा है वैसे? क्या चल रहा है मतलब? मतलब आपको थोड़ा सा भी सब्र नहीं है, ऐसी घूरे जा रहे हो मेरी बहन को। और भैया शरीफ घर के लड़के ऐसी पराई लड़कियों को नहीं देखा करते। पढ़ाई? हाँ हाँ, शादी के बाद पहले तो लड़के पढ़ाई होती है ना। हेलो दक्ष। अरे भैया कमाल करते हो यार, इतनी खूबसूरत बीबी आपकी सामने बैठी है और आप उनके फोन पे लगे हुए हो। यू कांट डू दिस टू मी दक्ष, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। डू यू गेट दैट? जेब में रखो इसको। जब देखता हूं तो देखने नहीं देते, जब नहीं देखता हूं तो क्या तो देख नहीं रहा? आखिर तुम वो चाहते क्या? अच्छा भैया पहले आप ये बताओ कि फाइनली आप क्या चाहते हो, डिम्पी भाभी को ऐसी चुप चुप के देखना या उनसे बात करना चाहते हो, या फिर उनसे ये चाहते हो आप फाइनली? यार ये क्या चाहता है वो शो? मेरी सुनो कि मैं क्या चाहता हूं। मैं दक्ष से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। उत्तर बड़े दिनों से तुझसे कुछ बात करना चाह रहा था लेकिन मौका ही नहीं मिला। कभी मैं शादी के कामों में बिजी रहा, कभी तू ऑफिस के कामों में बिजी रहा। सॉरी अंकल, एक्चुअली मुझे नया प्रोजेक्ट मिला है तो उसी सिलसिले में मैं थोड़ा। नहीं नहीं पुत्र, ये तो बड़ी अच्छी बात है और तेरी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तू मेहनती है, जिंदगी में कुछ बनना चाहता है और फिर तीनों और भाभी के संस्कार भी तुझ में कूट कूट के भरे। ओए सोने पे सुहागा, इसी को तो कहते। तभी तो मैं अपने जिगर के टुकड़े को तेरे हवाले कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तू उसे हमेशा खुश रखेगा। अंकल डिम्पी अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं वादा करता मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। उधर अगर कभी डिम्पी से कोई गलती हो जाए ना उसे माफ कर देना। तो जानता है कि मेरे लिए मेरी दोनों बच्चियां ही सब कुछ हैं। उनकी आंखों में आंसू देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे उससे मेरा रब ही रूट गया। उनकी इतनी सी भी तकलीफ से मेरा कलेजा फट जाता है और जो भी ये थोड़ा बहुत जोड़ के रखा है ना वो भी उनके लिए। अब उधर मैं आज वो सब कुछ तुझे सौंपना चाहता हूं। सा तोहफा है तेरे लिए। अंकल क्या है? उधर इस घर का आधा हिस्सा मैंने तेरे नाम कर दिया है। क्या है आप? ना ना पुत्र ना, देख ना मत, बिल्कुल। अब उधर ये मैंने बहुत पहले से सोच रखा था। देख दक्ष और तो कुछ नहीं है मेरे पास सिवाय इस घर के, बस यही मेरी पूंजी है। और जब गिनी की शादी हो जाएगी ना तो आधा हिस्सा उसके नाम कर दूंगा। मेरा और बम्बी जी का क्या है? तो अपने अंबाले के पास जो गांव है ना वहां चले जाएंगे। अंकल इस सब की कोई जरूरत नहीं, आपका आशीर्वाद रहा तो मैं खुद का घर बना लूं। अंकल ये मत कीजिए प्लीज। रब करे तू एक क्या दस घर बनाए, लेकिन इसे मना मत कर। उधर मुझे मेरी इच्छा पूरी करने दे, मेरे मन को शांति मिलेगी। और मेरा बरसों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है तो मेरी इच्छा को भी पूरी होने दे। और मैं तुझे दामाद समझ के नहीं बेटा समझ के दे रहा हूं। अभी तो इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपने अंकल की बात नहीं माने। चल रख ले, रखना। Thank you.
इतनी सोनी लग रही है मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। लो जी लग गई कलीरे। थैंक्स थैंक्स से काम भी चलेगा दिम्पी दी। आज जो मैंने कलीरे लगाए ना वो आज मेरे सर पे गिरने चाहिए बस। अच्छा जी, तो गिन्नी मैडम को अपनी शादी की बहुत जल्दी है हा? और क्यों भाई गिन्नू, पैन को देखकर तेरा भी मन कर गया शादी का है? ढूंढ लू तेरे वास्ते भी कोई शादी में ही। माँ अभी ना ओए शर्मा गई मेरी गुड़िया। भाभी से सेटिंग करूं क्या? उनको बोल देता हूँ सारे कलीरे तेरे सर पे गिरा देंगे। तू ना अपने आइडिया अपने पास रखा कर। मैं तो तुझे अपने पास रखना चाहता हूँ, वो भी सारी जिंदगी। मम्मा आपने मेरी एक बार भी तारीफ नहीं करी, इतने प्यार से तैयार किया मैं डिम्पी दीदी को। तभी तो एकदम चांद जैसी लग रही है मेरी बच्ची। वैसे चांद तो गोल होता है ना आंटी जी। तो चुप कर बदमाश कहीं का। डिम्पी पुत्र मैं तेनू दस नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूं। दक्ष जैसा दामाद और ऐसा परिवार बड़ी किस्मत नाल मिलता है पुत्र। टेंशन ना लो आंटी जी, बहुत ही जल्दी आपकी खुशियां दुगनी होने वाली हैं। कोई की मतलब? मतलब अब बहुत ही जल्दी हम गिन्नी के लिए भी दक्ष भैया जैसा ही कोई लड़का ढूंढ के लाएंगे। वैसे ही परिवार वाला, वैसे ही संस्कारों वाला, वैसे ही कमाई हुआ। चलो आंटी जी, कमाई तो दो पैसा कम होगी तो भी चलेगा। पुत्र चलेगा नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा। पुत्र एक काम कर, तू ही ढूंढ ला ना मेरी गिन्नू वास्ते ऐसा ही लड़का। किसको बोल रहे मम्मा, ये कोई अपने जैसे ढूंढ लाएगा मेरे लिए? मेरे जैसा कोई बना ही नहीं है, एकदम सिंगल पीस हूँ मैं। तो म्यूजियम में रखवा दे देखो सिंगल पीस। और चुप करो तुम दोनों, ये कोई झगड़े का टाइम है, है? इसकी शादी का टाइम हो रहा है। और डिम्पी पुत्र मैं तेरे बाकी सारे काम कर देती हूँ, और तुम सब लोग चलो यहाँ से छेती करो, कितने सारे काम पड़े हैं, कैसे होंगे? चलो लगो काम पर, मैं डिम्पी को तैयार करके लाती हूँ। चल आ मेरे पुत्र, चल आ। थैंक्स ध्रुव, अगर कलेरी शादी के पहले टूट जाते तो शगुन अच्छा नहीं होता। भाभी आपके इस देवर के होते हुए कुछ भी बुरा शगुन नहीं हो सकता, मैं आपके हर कदम पे आपके साथ में हूँ। और आप कभी भी किसी मुश्किल में अपने आप को अकेला पाओगे तो हमेशा अपने इस देवर को अपने साथ खड़ा पाओगे। और ये एक देवर का एक भाभी से नहीं बल्कि एक दोस्त का एक दूसरे दोस्त से वादा है, कभी भी आजमा के देख लेना। पता है माँ, ऐसा देवर और दोस्त किस्मत वालों को ही मिलता है। वो तो है पुत्र। बस करो बस करो, अब और मत चढ़ाओ इसको चने के झाड़ पर, वरना उतरेगा ही नहीं। चल चल काम पे। बस एक यही है जिसको मेरी कदर नहीं है, चल मेरी माँ। चल के चल, चल। आप आप शादी में नहीं आए? मैं वहां नहीं आ सकती दक्ष, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? जो हमने ब्रिज कंस्ट्रक्शन का प्लान तैयार किया था उसमें कुछ लीगल प्रॉब्लम्स निकल आई हैं, हमारे ऊपर पुलिस केस बन गया है, तो मैं अभी इसी वक्त मेरे घर आना होगा। लेकिन मेरी यहाँ शादी है। इट्स अर्जेंट। अब मैं लॉयर से बात करके। कोई फायदा नहीं होगा, आई नीड यू हियर राइट नाउ। अरे दक्ष ये क्या, आज भी फोन पे लगा रहेगा? ऑफिस में। अरे आज ऑफिस ऑफिस सब भूल जा, आज तो अपनी बहन की बारात का स्वागत कर, फिर तेरी बारात का स्वागत करेंगे, समझा? ये ले चल 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 आ जा।
कुछ कीजिए, बात बहुत बिगड़ चुकी है। पुलिस लिपिका मैम के घर पहुंच गई है उन्हें अरेस्ट करने के लिए। सर अब आप ही उन्हें बचा सकते हैं। प्लीज सर अब आप आ जाइए। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा रुक नहीं सकता, मुझे जल्दी से जल्दी वापस आना होगा अपनी शादी में। मैं आता हूँ। पापा मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। बोल बेटा। कन्यादान की रस्म के लिए लड़की के माता पिता को बुलाइए। चलो डिम्पी दीदी, मेघा की शादी की रस्में शुरू हो चुकी है। अगला नंबर आपका है, आपको शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चलो अभी तो टाइम है ना गिरी। डिम्पी दीदी सिर्फ 2 घंटे है और आप तो जानती है पंडित जी ने 9 बजे तक का टाइम दिया हुआ है, उसके बाद वी कांट मिस इट। चलो मैं आपको तैयार करती हूँ, चलो आओ बैठो। डिम्पी दीदी आपको पता है ध्रुव और मैं क्या नाचे हैं, मतलब मजा आ गया बारात में। लक्ष्मी कहाँ गई? अभी तो यहीं पे फोन पे बात कर रहे थे कि शादी का जोड़ा तो वैसे का वैसा ही पड़ा, कहाँ गया होगा? पता नहीं भैया, लक्ष्मी किसी से फोन पे बात कर रहे थे और बहुत टेंशन में भी लग रहे थे और फिर अचानक से गायब हो गए। किसका फोन आया होगा, क्या बात कर रहे थे, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, फोन पे बात करने के बाद तो वो मुझे दिखे ही नहीं, पूछने तक का मौका नहीं मिला। किसका फोन आ सकता, सबके सब तो यही है। अरे दक्ष भी अपना फोन तक नहीं उठा रहे हैं। मैं काम करता हूँ, मैं जाकर पता करता हूँ कि भैया कहाँ पर हैं। लेकिन तब तक आप घर पे सबको क्या बोलोगे? तुम दोनों के अंतक मैं और धैर्य भी सब कुछ संभाल लेंगे, तू बस जल्दी जाकर उनको वापस ले आ। जल्दी ठीक है, चल चल। ध्रुव तुझे याद है ना, तूने अंकल जी को प्रॉमिस किया था कि तू आज कुछ गड़बड़ नहीं होने देगा। तू टेंशन मत लेगी, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। स्वस्ति। ओम स्वस्ति। मैं आपकी कन्या को स्वीकार कर रहा हूँ। मैं आपकी कन्या को स्वीकार कर रहा हूँ। जिन्नी कहाँ चली गई थी, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं दीदी, सब ठीक है। आओ मैं आपको नच पिना दूँ। दक्ष त्रिपाठी यहाँ पर आए हैं क्या? जी उनकी तो आज शादी है इसलिए वो आए नहीं है, इससे पूरा ऑफिस बंद है, सब वहीं गए हुए हैं। ठीक है। डिम्पी दी बस 1 मिनट। हाँ तो आराम से बात कर ले, तब तक मैं मेघा की शादी देख के आती हूँ। हेलो ध्रुव, जीजू को कुछ पता चला? नहीं कि नहीं, उनका ऑफिस तो उन्हीं की शादी के लिए बंद है, और कहाँ जा सकते हैं भैया? लिपिका। बाय। हो गई डिम्पी दी, वो मैं मेघा की शादी देख रही थी। मेघा की शादी तो हो गई समझो, अब अगला नंबर आपका है, सारी नजरें आप पर होंगी।
यही नहीं होगा बेटा। अरे अभी तो यही था, कहाँ चला गया? जजमान, अपने बेटे दक्ष को बुलाइए, उनके विवाह की पूजा आरंभ करने का समय है। दक्ष कहाँ रह गया? डैड, डैड! जी पापा। बेटा, ये दक्ष का है? पूजा का समय हो गया, बुलाओ उसको। पापा, वो किसी जरूरी काम से बाहर गए। जरूरी काम से क्या बाहर गए? अरे क्या दिमाग खराब हो गया उसका? क्या आज उसकी शादी है? शादी के दिन? अरे फोन करो उसको, बुलाओ उसको। हम फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फोन नहीं है। लेकिन वो गया कहाँ? किसी को कुछ बताकर नहीं गया क्या? नहीं, वो बता के नहीं गया, लेकिन ध्रुव गया उसे ढूंढने के लिए। अभी आता ही होगा, आप फिक्र मत कीजिए, वो आ जाए। हे राम, कहाँ चला गया ये? लतिका, चाहता हूं जजमान, लेकिन आपके सुपुत्र के विवाह का शुभ मुहूर्त निकल चुका है। अरे नहीं नहीं पंडित जी, वो बहुत अभी आता ही होगा। ये कि अब वो आ भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इंतजार कर सकते हैं, लेकिन मुहूर्त किसी का इंतजार नहीं करता। पंडित जी, लेकिन अब तो मुहूर्त भी निकल गया है, इसलिए विवाह नहीं हो सकता। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अच्छी ध्रुव, तू अकेला आया? दक्ष कहाँ है? कहाँ है वो? अरे कहाँ चला गया शादी छोड़ के? तू
बोल ना दक्ष जी, कहाँ है? कोई पत्थर तू उसे साथ क्यों नहीं लाया? अरे गूंगा हो गया क्या जो तेरे मुंह से बात निकल गई? कहाँ गया मैं बताना? कहाँ है वो? दक्ष भैया, दक्ष भैया नहीं आएंगे।